हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अफ़गानी चाप। तो अफ़गानी चाप बनाने से पहले हम अपनी चाप को अच्छे से वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद हम अपनी चाप को एक बॉईल मतलब के लिए से एक बार के लिए हम इसे उबाल लेंगे, सिर्फ एक बॉईल देंगे। और उसके बाद इसको हम ठंडा करके इसकी स्टिक से हम अपनी चाप को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ फ़िलहाल मैं एक बॉईल का वेट करता हूँ, और एक बॉईल के बाद हम अपनी चाप को बाहर निकाल लेंगे और उसे पानी से अच्छा करके ठंडा कर लेंगे, ताकि इसको निकालने में हमारे हाथ ना जले और यह आराम से निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है, और अब निकालेंगे हम अपनी चाप। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाप ले ली है, और एक एक करके मैं स्टिक से अपनी चाप को निकाल लूँगा। और निकालने के बाद हम अपनी स्टिक अपनी जो चाप है इसको कटिंग करके, मतलब आपको जितने साइज़ में चाहिए, छोटी या बड़ी जैसी भी साइज़ में चाहिए, तो आप उस हिसाब से कटिंग करके अपनी चाप को रख लें। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी दिया है, और आपने करना क्या है, अब उसमें डालना है सरसों का तेल, या जिस भी चीज़ में आप बनाते हो, रिफाइंड में बनाते हो, घी में बनाते हो, जैसे भी आप बनाते हो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सरसों का तेल, और सरसों के तेल में मैं करूँगा इसको फ्राई। तो यहाँ पे मैं अपनी चाप को काट रहा हूँ, और दोस्तों यार चाप तो काट रहा हूँ लेकिन इस बार की चाप में मज़ा नहीं आया, क्योंकि आजकल जो पहले जैसी चाप आती ही नहीं है, क्योंकि आपकी चापों में मैदा का बहुत यूज होता है जो कि हार्मफुल भी रहती है और मज़ा नहीं आता। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर अच्छे से फ्राई करूँगा, और फ्राई करूँगा कि ये सुनहरी लाल हो जाए, मतलब ज़्यादा इसको जलाना भी नहीं है, मतलब एक सुनहरापन आ जाए इसके अंदर। तो ये जब फ्राई हो जाएगा तब मैं इसको इससे निकालूंगा, और इसी तेल में फिर हम अपनी इस चाप को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने फ्राई कर लिया अपनी चाप को, तो एक एक करके जितनी भी मेरी चाप है इसके कढ़ाई के अंदर सबको निकालूंगा, और निकालने के बाद फिर हम तैयारी करेंगे अपनी चाप को बनाने की। तो यहाँ मैंने अपनी चाप निकाल ली है, और तैयारी करते हैं अपनी चाप बनाने की। यहाँ पर लिया मैंने हरी मिर्च, अदरक लहसुन, और ये लिया है मैंने दही, ये लिया मैंने मलाई, और यहाँ पे लिए हैं मैंने दो बड़ी इलायची, और कुछ दाने हैं ये लौंग के, ये जावित्री है, ये तेज़पत्ता, दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, और दो तीन प्याज है हमारी मीडियम साइज़ की। तो दोस्तों यहाँ पे मैं टमाटर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अफ़गानी चाप में बहुत ही कम करते हैं यूज़, तो वो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा बना सकूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल में सारे मसाले जो खड़े मसाले थे वो मैंने डाल दिए हैं। और तो दोस्तों एक छोटी सी चीज़ और बताना भूल गया मैं, इसमें मैंने दालचीनी का भी छोटा सा पीस है एक इंच के आसपास, वो भी मैंने इसमें डाला है, तो जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखा पाया। तो यहाँ पे कुटा हुआ अदरक और लहसुन है जो हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो फ्राई करने के बाद हम डालेंगे अपनी प्याज, तो प्याज को अच्छा सुनहरा लाल कर लेंगे, और उसके बाद अपने टमाटर को भी हम ग्राइंड करके रखेंगे, उसके बाद हम टमाटर का भी यूज़ करेंगे। तो फिलहाल इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है मक्खन, मक्खन हुआ 2 से 2.5 चम्मच के आसपास। तो यहाँ मक्खन डालने के बाद मैंने डाले इसमें अपना टमाटर प्यूरी जो कि मैंने अभी अभी पीसी है, इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद हम डालेंगे इसमें अपने मसाले। तो यहाँ पर मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर, तो काली मिर्च का पाउडर हो गया हमारा, धनिया पाउडर हो गया, और यहाँ पे डालूँगा मैं अपनी दही। और दोस्तों इस दही की एक खासियत है कि अगर दूध में डालो तो दूध फट जाता है, लेकिन इस दही को हम अच्छे से इतना पकाएंगे, इतने अच्छे से पकाएंगे ताकि बाद में जब इसमें मलाई का यूज़ करेंगे तो हमारी मलाई जो फटे ना। तो यहाँ पे लिया है मैंने नमक। तो दोस्तों एक चीज़ और, आज अपने अफगानी चाप बनाते बनाते मैंने देखा बाहर कलेरी जो कि पानी पी रही है, टेम्परेचर इस टाइम 45 है। तो यार कम जैसे भी मौका मिले अपनी खिड़की के बाहर, कोई पेड़ के बाहर, जो जैसे भी रहता है, तो मेरा कॉर्नर का मकान है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि पानी देखा थोड़ा सा कम था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया ताकि इनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था जब मैं अपनी चाप बना रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उस कलेरी को देख के। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुन चुका है, और भुनने के बाद हमने अपनी चाप को डाला है इस मसाले के अंदर। तो थोड़ी देर हम उसको ऐसे चलाएँगे, अच्छा सा इसे पकने देंगे। तो बनाते हैं अपने इस चाप को, और दोस्तों ज़रूर बताना आपको ये चाप जो है हमारी कैसे लगी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लाने की। और तो यहाँ पे डाला है हमने पानी,
तो पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से पकने देंगे और इसे इतना पकाना है ताकि जो जो पानी है अच्छे से हमारे जो चाप है उसको अच्छे से सॉफ्ट कर दे। तो उसे इसको कम से 15-20 मिनट के लिए आपको पकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं हर 10-10 मिनट में मैंने अपने चाप को देखा है तो अभी भी इसमें कुछ कमी है, अभी पानी थोड़ा सा ज़्यादा है। जब ये पक जाएंगी तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगी और सॉफ्ट होने के बाद ही हम डालेंगे इसमें मलाई और मलाई डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे और इसको अभी पकाते ही रहेंगे। तो पकाने के बाद जब हमारी जो चाप है ये हल्का सा तेल छोड़ने लगेगी, जब तेल छोड़ देगी तो लगभग हमारी चाप पक के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कस्तूरी मेथी जो कि मैंने तवे पे इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया था, और यहाँ डाल रहा हूँ मैं हरा धनिया। तो बारीक धनिया मैंने ले लिया है, अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद से थोड़ी देर तक हम और पकाएंगे। तो लगभग यहाँ पे चाप हमारी बनके तैयार है। पर दोस्तों मैंने जैसे आपसे कहा कि चाप पहले जैसे नहीं है, तो चाप का जो मज़ा पहले आया होता था वो बहुत ही यूनिक होता था, फिर भी लगभग चाप काफ़ी अच्छी बनी है। तो यहाँ पे अब मैं लूँगा एक कोयला, और बिना कोयले के तो आप समझ सकते हैं कोयला मैंने किस लिए लिया है। क्योंकि कोयला मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं इसमें जो धुआँ है, स्मोकी फ्लेवर है, वो अपनी चाप को दे सकूं, तो जभी तो बनेगी हमारी अफगानी चाप। तो यहाँ पे हो गया है हमारा कोयला एकदम गरम, तो हम इसको छोटे से बाउल में रखेंगे और उसमें डालेंगे एक चम्मच देसी घी, आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, और उसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे। और ढकने के बाद हम अपने बाउल को बाहर निकाल के अपने चाप को अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो स्मोकी फ्लेवर है पूरी चाप के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे चाप मेरी बन के बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे हम इसको अपने सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी ये चाप और बनाने की ये ट्रिक? ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।